गलियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे नदी बहती हो। सड़कों पर चल रही बेशकीमती और आधुनिक गाड़ियां पानी में डूबने उतराने लगी। दुबई में कुछ ही घंटों के अंदर इतना पानी बरस गया जितना बहने में लगभग 1.5 साल लग जाता है। दुनिया में जहां कई देशों और राज्यों में गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं, वहीं संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और बहरीन में लोग भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। दुबई बाढ़ से जूझ रहा है। दिलचस्प है कि ये वो इलाके हैं जो अपने सूखे रेगिस्तान और चिलचिलाती गर्मी के लिए जाने जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों दुबई पानी पानी हो गया। हालात यह है कि कुछ ही घंटे में संयुक्त अरब अमीरात के शानो शौकात भरे और ऊंची इमारतें वाले शहर दुबई तक को पानी में डुबा दिया। दरअसल दुबई को शहरी सिस्टम का बड़ा हिस्सा ऐसी बारिश के लिए कभी बना ही नहीं। दुबई जैसे आधुनिक शहर तक के बुनियादी ढांचे में ड्रेनेज का सिस्टम बहुत सीमित और नाकाफी है, जिसको लेकर बारिश का पानी आगे निकल जाए। और ये तो ऐसी बारिश रही जो अच्छे से अच्छे सिस्टम को हिला देती। क्लाउड सीडिंग के लिए जिम्मेदार संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने इस संभावना को गलत बताया है और कहा है कि उसने तूफान से पहले और तूफान के दौरान क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन नहीं किए और ये बारिश कुदरती है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ओमान में इतनी बारिश क्यों हुई? इसके कारण कई हैं। कई वजह, एक बड़ा तूफान जो अरब पेनिनसुला यानी अरब प्रायद्वीप से ओमान की खाड़ी की ओर जा रहा था। इसी मौसमी चक्र के कारण हवाएं नमी से भारी बादलों को ओमान और दक्षिण पूर्व ईरान की ओर भी ले गई और वहां भारी बारिश हुई। मौसम के जानकार ग्लोबल वार्मिंग को भी इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट यानी चरम मौसमी घटना की वजह मान रहे हैं, जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। मंगलवार को दुबई में 142 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो साल भर में औसतन 95 मिलीमीटर बारिश ही मुश्किल से यहां हो पाती है। यूएई के अल आयन अमीरात में तो सबसे ज्यादा 250 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना पानी अचानक बरस गया।